दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिलीप कुमार की एक अनरिलीज्ड बॉलीवुड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है कलिंगा। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे दिलीप कुमार, राज बब्बर, अमजद खान, राज किरण, अमित ओजमान, मीनाक्षी शिशाद्री, शिल्पा शिरोदकर, रूपा गांगुली, किरण जुनेजा, अंजना मुमताज और किरण कुमार। इसके अलावा इस फिल्म को खुद दिलीप कुमार ही डायरेक्ट करने वाले थे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाडे। तो दोस्तों, ये बात है साल 1991 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज कर दिया गया था। और कहानी की बात करें तो कलिंगा एक सोशल फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली थी, जिसमें दिलीप कुमार हमें एक जज के किरदार में नज़र आने वाले थे, जो जस्टिस कलिंगा के नाम से जाने जाते थे। और इस फिल्म में राज बब्बर और राज किरण जस्टिस कलिंगा के बेटों के किरदार में नज़र आने वाले थे, और ये दोनों इससे पहले भी मजदूर फिल्म में दिलीप कुमार के बेटों के किरदार में नज़र आए थे। और देखा जाए तो ये फिल्म जब अनाउंस हुई थी तो उस टाइम पे धर्मेंद्र इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहते थे, और दिलीप कुमार के साथ काम करना धर्मेंद्र का सपना भी था। हालांकि इससे पहले दिलीप कुमार और धर्मेंद्र हमें अनोखा मिलन फिल्म के कुछ सीन्स में एक साथ तो नज़र आए थे, लेकिन इसके बाद ये दोनों चाणक्या चंद्र गुप्ता और ज़बरदस्त नाम की फिल्मों में भी साइन तो किए गए, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बन ही नहीं पाईं। और इसके बाद धर्मेंद्र ने खुद दिलीप कुमार से कहा कि उन्हें कलिंगा फिल्म में एक रोल चाहिए, और दिलीप कुमार जो धर्मेंद्र की बहुत इज्जत करते थे, तो उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि उनके लिए वैसे तो इस फिल्म में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन अगर वो इस फिल्म में काम करना चाहते हैं तो वो मेरा जस्टिस कलिंगा का किरदार निभा सकते हैं। लेकिन फिर धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार से कहा कि आप इस फिल्म में सनी देओल को ले लीजिए, और इस बार दिलीप कुमार धर्मेंद्र की ये रिक्वेस्ट टाल नहीं सके, और उन्होंने सनी देओल को एज अ हीरो साइन कर लिया, और उनके ऑपोजिट मीनाक्षी शिशाद्री को ले लिया गया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद डेट्स इश्यूज की वजह से सनी देओल ने इस फिल्म से अलग होने का फैसला किया, और उनकी जगह इस फिल्म में अमितोष मान को ले लिया गया। इसके अलावा इस फिल्म में अमजद खान भी एक इम्पॉर्टेंट रोल में नज़र आने वाले थे, और उनका सारा काम मुकम्मल हो चुका था और उनकी डबिंग भी कंप्लीट हो गई थी। और इस फिल्म में हमें अमजद खान और दिलीप कुमार पहली बार बड़े पर्दे पे एक साथ नज़र आने वाले थे। और देखा जाए तो इस फिल्म की शूटिंग तो 1991 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस फिल्म को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और साल 1996 तक इस फिल्म की 80% तक शूटिंग ही कंप्लीट हो पाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कलिंगा दिलीप कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उन्होंने खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला भी किया था, और इस वजह से दिलीप कुमार ज़रूरत से ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट बन गए थे, जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा डिले होती गई, और 4 से 5 सालों में इस फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और ये फिल्म पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। और देखा जाए तो हाल ही में एक प्रोड्यूसर संगीता आहिर, जिनके पास इस फिल्म के राइट्स हैं, तो उन्होंने दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दिलीप कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने के बारे में सोच रही हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरा वादा है कि कलिंगा मूवी ज़रूर रिलीज़ की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दिलीप कुमार की इस अनरिलीज्ड मूवी कलिंगा को रिलीज़ कर दिया जाए, तो हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मूवी की प्रोड्यूसर तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जल्द इस मूवी के रिलीज़ के बारे में कोई अनाउंसमेंट करें।